नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म पर्व ज्योतिष ग्रह नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम सूर्य का राशि परिवर्तन जब भी होता है उसके बारे में बात करते हैं, जिसे संक्रांति नाम से भी जानते हैं। आज मैं आपके साथ इसमें सूर्य का जो तुला राशि में होने वाला भ्रमण है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये तुला राशि में सूर्य 17 अक्टूबर को 7:23 सायंकाल जाएंगे तथा अगले माह 16 नवंबर तक 7:15 बजे तक तुला में रहेंगे। तुला में सूर्य नीच होते हैं, ऊर्जा विहीन होते हैं और सर्दी भी आने लगती है इस समय में। इस माह में सबसे बड़ी बात यह है कि दिवाली भी पड़ती है, तो 17 अक्टूबर से 16 नवंबर में दिवाली भी पड़नी है इस माह में। हर लग्न के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ, मिथुन लग्न के बारे में बात करने लगा हूँ। आपका मिथुन लग्न है या नहीं इसको जानने समझने के लिए अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान, महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। 3 नंबर की कुंडली आएगी, उसमें मिथुन अथवा जैमिनी लिखा हुआ, समझिए आपकी बात हो रही है। नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? हा का की कु घा ढा छा के की, ये है। अब इस माह में आपका मिथुन लग्न है तो महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं। आपका लग्नेश बुध जो है 17 अक्टूबर को तुला में आ जाएगा और 26 तक तुला में रहेगा। उसके उपरांत 26 अक्टूबर से 13 नवंबर तक वृश्चिक में छठे स्थान में रहेगा। 26 अक्टूबर तक बुध थोड़ा ग्रहण में भी फंसा रहेगा क्योंकि 25 का ग्रहण जो है बहुत अच्छा नहीं है। ये ग्रहण जो है आपके पंचम भाव में लगेगा। इस बारी इस 25 अक्टूबर के ग्रहण में शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्र, राहु और पृथ्वी 6 ग्रह इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो भारी मानसिक तनाव आपकी बुद्धि पर हो सकता है। मंगल मिथुन राशि में चले जाएंगे 16 अक्टूबर को, 13 नवंबर तक रहेंगे, फिर वक्री होकर दोबारा वृषभ में आ जाएंगे, तो 13 से 16 में वृषभ में रहेंगे। शुक्र 18 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक तुला में रहेंगे, उसके बाद वृश्चिक में चले जाएंगे। एक ग्रहण 25 अक्टूबर को, दूसरा ग्रहण जो है 8 नवंबर को है। शुक्र पूर्ण रूप से अस्त हो जाएंगे 22 अक्टूबर को। 22 से 28 का समय सभी लोगों के लिए, सभी लग्न और राशियों के लिए बड़ा क्रिटिकल होगा। मिथुन लग्न में स्वास्थ्य पे क्या होगा? लो इम्यूनिटी होगी। लो इम्यूनिटी के कारण कोई बुध चतुर्थ के भी स्वामी है, लंग्स, हार्ट और न्यूरो और प्रेगनेंसी, ये महत्वपूर्ण विषय है। प्रेगनेंसी में महिलाओं को ध्यान रखना क्योंकि पंचमेश शुक्र अस्त है। कोई स्ट्रेस नहीं लेना, ना फिजिकल ना मेंटल, आराम करिए। और ये आपकी एज कुछ भी हो, आप थोड़ा सा इस माह में संभल के रेस्ट होके चलें, वाहन की गति कम रखें। आयु 50 वर्ष के ऊपर है तो ज़्यादा सावधानी चाहिए। इसमें जो स्किन एलर्जी भी हो सकती है, हेयरिंग का थोड़ा बहुत हो सकता है आपका राइट ईयर में, लेफ्ट आई पे मामूली सा असर आ सकता है, आँख दुख सकती है। हाई विल पावर जो है आपकी वो जरूर रहेगी और आपकी जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है वो इम्यूनिटी के कारण थोड़ी कम होगी, परंतु हाई विल पावर रहेगी। आपको डाइट कंट्रोल करना है, अदरवाइज एसिडिटी इत्यादि या बदहजमी से ऊर्जा में जो कमी हो जाएगी, माइनर ऊर्जा कमी हो जाएगी। नौकरी और व्यापार, व्यापार में बेटर रहेगा, नौकरी में थोड़ा थ्रेट रहेगा क्योंकि इनडिसिप्लिन रहेगा। सूर्य चौथे या पांचवें घर में जाएंगे तो आप किसी भी क्षेत्र में हो आपकी नौकरी को थोड़ा खतरा रह सकता है, थकान से, इनडिसिप्लिन से, लापरवाही से, या पैसे कमाने में को नियमित जो है आप नियम को तोड़ दें। क्योंकि मंगल लग्न में आएंगे तो रिश्वत ले, ये कर, वो कर, मैनिपुलेशन कर, उससे बचिएगा। 15 अक्टूबर से लेके और 16 नवंबर के बीच में जो है हर वर्ष जो है आपकी थोड़ी सी सूर्य नीचे रहने से हेल्थ का लेवल लो रहता है, बिलो लेवल आपकी परफॉर्मेंस रहती है, इसलिए सावधान रहना जरूरी होगा। इस बारी शनि और सूर्य पे दृष्टि भी, शनि की दृष्टि सूर्य और बुध इत्यादि सभी पे, इससे ज़्यादा सावधान रहना होगा। अनुशासन कम ना हो, ना आप कोई चेंज करें, ना चेंज के बारे में सोचें, नई जगह पे और ज़्यादा खतरा हो जाएगा। व्यापार जो है आपके लिए थोड़ा शुभ रहेगा, कोई भी व्यापार करें अपने सामान को चोरी से बचाइए, बहुत ज़्यादा आप अपना प्रॉफिट ना बढ़ाइए, साधारण रूप से अनुशासन रखिए, विजिलेंट रहें, अग्नि से, चोरी इत्यादि से सावधानी रखें। बृहस्पति के कारण धन कुछ ना कुछ आता रहेगा,
और खर्चा शुक्र के कारण होता रहेगा, परंतु आपके काम चलते रहेंगे। शिक्षा, धर्म और भाग्य। शिक्षा विदेश में बेटर है, यदि आप विदेश में तो आपका शिक्षा के समय बेटर है। डोमेस्टिक यदि आप हैं तो बिलो एवरेज आपका शिक्षा का हो सकता है, उसका कारण है हेल्थ एक बड़ा रीजन होगा ये, और पोल्यूशन इत्यादि एक बड़ा रीजन हो सकता है। डोमेस्टिक में यदि आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो शायद आप अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। धर्म, नया कुछ नहीं होना चाहिए, जो पुराना है पुराने मंत्र कर रहे हैं वो करिए, पुराना योग कर रहे हैं वॉक कर रहे हैं जो करना करिए, ओवर स्ट्रेस ना करें, ओवर जिम में ना जाएं, ओवर रनिंग ना करें, ओवर कुछ ना करें, अपनी एनर्जी जो भी है उसको पूरा ना बर्न करें। जो भी वॉक सपोज आप कर रहे हैं 4 किलोमीटर, उसको 2 में ले आइए, आप जिम में जा रहे हैं 2 घंटे, आप आधे घंटे पे आ जाइए, इस प्रकार का कट डाउन कर रहा जिससे शरीर थके ना, स्ट्रेस ना हो, क्योंकि अचानक ही कहीं पे ट्रिप कर जाए सब कुछ, उससे बचना होगा। और धर्म में आपका कम विश्वास रहेगा, शनि अष्टम में तो आपको धर्म के तुलना में कर्म पे ज़्यादा काम करना होगा, कम विश्वास रहेगा। भाग्य कम काम करेगा, कर्म ज़्यादा करेगा, इसलिए कर्म पे ध्यान दें, उस कारण भाग्य भी बली हो जाएगा, लाभ बढ़ जाएगा। विदेश में भाग्य आपका बेटर है। धन और आर्थिक, खर्चे ज़्यादा होंगे, नौकरी में धन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि यदि आप डिसिप्लिन नहीं लूज करेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो अच्छी सैलरी मिलती रहेगी, परंतु खर्चे शुक्र के कारण, पर्व भी आ रहे हैं भैया दूज है, दिवाली आ रही है 24 को, फिर भैया दूज है, उनमें खर्चे हो सकते हैं। व्यापार में उधार देने, चोरी अग्नि से या मिसकैलकुलेट करने से आपको थोड़ा सा हानि भी संभव है, और शुक्रस्त होने से जो आप स्टॉक्स अपने बिजनेस के लिए ले रहे हैं सस्ते समझ के, हानि हो सकती है। शेयर मार्केट में बड़ी हानि हो सकती है 25 ग्रहण के शेयर मार्केट ग्रहण में, जो 8 नवंबर का चंद्र ग्रहण है शायद उसमें थोड़ा सा फायदा हो जाए, परंतु तो शेयर मार्केट में बहुत सावधान रहना होगा 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के मध्य। जुड़े प्रोडक्ट हैं कागज़ कपड़ा कंप्यूटर आर्किटेक्चर इत्यादि, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, पूरा डिजिटल है, ब्रांडेड वस्तुएं हैं, मीठी वस्तुएं हैं, टीवी बॉलीवुड, इनसे जो जुड़े नौकरी हो व्यापार में थोड़ा सा लाभ सभी में रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में विदेश में थोड़ा सा लाभ आपका व्यापार में हो सकता है, वो बेटर है। मंगल और गुरु के जो क्षेत्र हैं ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में विदेश में बेटर रहेंगे। दवाइयाँ हैं, कॉपर है और इलेक्ट्रिकल गुड्स है, उनमें अच्छा रहेगा। आपका जो गुरु से जुड़ा क्षेत्र है इकोनॉमिक्स है और मैनेजमेंट की पढ़ाइयाँ हैं, इन्हीं से जुड़ी शिक्षा है, इन्हीं से जुड़े प्रोडक्ट हैं, पीली वस्तु में केला इत्यादि, हैंडीक्राफ्ट, उन सब में बेटर रहेगा। ग्रोथ में बाधा सी रहेगी, बिलो एवरेज रहेगी, नौकरी में थोड़ी सी ठीक रहेगी, व्यापार में कम रहेगी। नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, परंतु उनको सोच समझ पर उसे एक्ट करिएगा। रिश्ते, प्रेम और विवाह, मांगलिक लोग ज़्यादा केयरफुल रहे, क्योंकि मंगल लग्न में आ रहा है 16 अक्टूबर को, आते ही मांगलिक प्रभाव शुरू हो जाएगा, केयरफुल रहिएगा, तनाव ना करें, गुस्सा ना करें और एग्रेसिव ना हो, वॉयलेंट ना हो, खान पीन पर नियंत्रण रखें। दिवाली और ग्रहणों के आसपास 22 से 28 अक्टूबर और 4 से 10 नवंबर में मांगलिक लोग ज़्यादा सावधान रहें, गुस्सा ना करें, तनाव ना करें, प्रेम संबंधों में धोखा हो सकता है याद रखें। हेल्थ और जॉब आपके मैरिड लाइफ में झगड़े का कारण हो सकते हैं, इस माह में ग्रह खराब होने से ब्रेक संभव हो जाता है कभी कभार, क्योंकि गुरु पे शनि की दृष्टि पड़ रही है जो आपका विभाग है। पेरेंटल हेल्थ जो है यदि उस पर ध्यान नहीं देंगे तो रिश्तों में असर आ जाता है। उपाय क्या करें, दान को छोड़ के, दान की चीज़ का चीनी, साबुत मूंग, गेहूं, चने की दाल और उर्द, इनको ये दान आप हर शनिवार को करते रहें, और कोई भी नए मंत्र ना करें, जो पुराना जो कर रहे हैं करें, जो पुराना योग कर रहे हैं सब करें, नया कुछ ना आरम्भ करें। धन्यवाद, नमस्कार।